चूड़ी मार्केट के सरकारी कॉम्प्लेक्स के पास गंदगी का आलम बना हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि यहाँ कई दिनों से गंदगी पड़ी हुई है, जिसकी शिकायत हम कई बार नगर परिषद को दे चुके हैं। वहीं वार्ड पार्षद को भी शिकायत की तो उन्होंने कहा कि 5 आदमी भेज रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुँचा और यह समस्या हमेशा ही ऐसी बनी रहती है। बदबू के मारे दुकानों पर बैठा नहीं जाता और ना ही ग्राहक दुकानों पर आते हैं। इसकी वजह से हम दुकानें भी लेट खोलते हैं, क्योंकि यहाँ नाले का पानी इतना अधिक हो जाता है कि निकला भी नहीं जाता। गंदगी इतनी जबरदस्त रहती है, इसे लेकर दुकानदारों ने नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। अशोक खन्ना आए हैं, नगर परिषद आए हैं, अशोक खन्ना आए हैं, बनवारीलाल सिंघल आए हैं, बनवारीलाल सिंघल आए हैं, अशोक खन्ना आए हैं। चूड़ी मार्केट में गंदगी फैली पड़ी, रोज का सुबह डेली आते हैं तो पहले इसके दर्शन करते हैं गंदगी के, फिर दुकान के खोलते हैं जाके। नगर परिषद में कई दफे शिकायत करके आए सर, लोग आज भी गए थे और कल पार्षद के पास भी गए थे। उन्होंने कहा अभी भेज रहे हैं आदमी, अभी तक ट्रैक्टर भी नहीं आया। उन्होंने कहा ट्रैक्टर भेज रहे हैं, गीला कचरा उठा देंगे आपसे, वो भी नहीं उठाया अभी तक। तो ये परेशानी तो आए दिन की है, रोजाना की, बरसातों में और ज्यादा बढ़ जाती है, घटती नहीं है। हमारे कहने का मतलब, हमारे यहाँ के जो पार्षद हैं, वार्ड पार्षद, उनको बोल के आए सुबह, उन्होंने भी कहा मैं कर्मचारी भेज रहा हूँ। उसके बाद नगर परिषद गए थे, वो बोले थे 5 कर्मचारी भेज रहे हैं, यहाँ तो अभी तक एक भी आया नहीं है। और ये मार्केट के अंदर ये कचरे का ढेर जो लगा रखा है, ये बताओ ये वाजिब है क्या? इससे मच्छर भी होंगे और हम लोगों का व्यापार तो प्रभावित हो ही होगा। सुबह से एक दुकान खुली है, अभी ये भी 2 घंटा पहले एक दुकान बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, और आगे भी ये लगा लो कस्टमर ना आ रहा है ना जा रहा है, रास्ता सारा खराब हुआ पड़ा है। हमारी आप लोगों से, नगर परिषद से, अलवर विधायक से, भारतीय जनता पार्टी के सभी, उनसे हमारा निवेदन है कि हमारे इस मार्केट की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें और यहाँ पे सफाई का समाधान।